हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी अब सीमेट की काफ़ी अच्छी चल रही है और अब आप लोग कैट और जेट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो बहुत अच्छी बात है, और इवन अच्छा नहीं आया है तो आगे आप सीमेट की बहुत अच्छे से तैयारी करो। सीमेट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, सीमेट 2019 के जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स में करेंगे और हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आराम से करना तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में 2018 का सीमेट पूरा सॉल्व है और 2019 की क्वांट पूरी सॉल्व है, और 19 की एल आर अब हम सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। तो 18 में आपको क्वांट और एल आर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से अभी नए नए ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारा सीमेट 300 का कोर्स है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब वहाँ से जाके वो लिंक को पूरा समझ के आप परचेस कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। ओवरऑल 300 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 200 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के, है ना। और जितने भी लोग हमारा सीमेट 300 परचेस करेंगे उनको 20 जनवरी को हम लोग एक PDF भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे GK के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरा समझ लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा पेमेंट डिटेल्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग एट अंकित, श्रुति सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। His father is the only son of my grandfather. ठीक है, श्रुति ऐसा बोल रही है। अब ध्यान से देखो, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीमेट 300 में भी कवर है, है ना। और इससे इवन टफ टफ भी कवर हमने किए अपने कोर्स में, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। देखो इसमें नॉर्मली आप क्या किया करो, जब लोग वो ट्री व्री बनाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन होते नहीं। आप इमेजिन कर लो, देखो हमेशा इसमें लास्ट से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ भी माय लिखा आ जाए, ठीक है। ये इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। हिज फादर को अभी छोड़ो, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, इस लाइन पे ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन होंगे, मेरे फादर ही होंगे, है ना। तो माय ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हो गए, माय फादर, ठीक है। तो मेरे पिताजी, अब क्या लिखा है, हिज फादर, यानी उसके जो पापा हैं अंकित के, ये क्या, किसके फादर की बात हो रही है, हिज फादर मतलब अंकित के जो फादर हैं, वो ओनली सन है माय ग्रैंडफादर, मतलब अंकित के जो फादर हैं वही मेरे भी फादर हो गए, है ना। अगर मैं श्रुति एज रिस्पेक्ट टू श्रुति बात कर रहा हूँ तो, है ना, मतलब अंकित और श्रुति कौन हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर। अब जो पूछा वो देख लो, एक एक सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू श्रुति, तो अंकित क्या हो जाएगा, श्रुति का ब्रदर, ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन ए, काफी आसान था, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। अक्षय एंड अजय आर फ्रेंड्स स्टडिंग इन सेम क्लास, ठीक है। अजय कुड नॉट स्कोर एज मच एज मार्क्स अक्षय स्कोर्ड, एंड हेंस अजय's फादर टुक अजय इनटू टास्क। अजय रिप्लाइड दैट देर आर सो मेनी लाइक मी इन द क्लास, अजय बोलता मेरे जैसे बहुत हैं क्लास में। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक। देखो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे, लेकिन इन्होंने ये जबरन की शुरू की 4-5 लाइन कन्फ्यूज करने के लिए दी थी, या क्वेश्चन को टफ बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, है ना। लेकिन ये इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना, इन्होंने सिर्फ कोशिश की है। मेन क्वेश्चन इनका आखिरी की ये 4 लाइन में ही है, ठीक। तो ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए कि जबरन की कहानियाँ कहाँ कहाँ लिखी गई हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब मैं इन चीज़ पढ़ूँ, अक्षय इज रैंक 13th इन द क्लास वे 33 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो अक्षय की रैंक क्या है, 13th, ठीक। देर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो अजय, तो अजय की रैंक क्या हो जाएगी, 33 माइनस 5 कर दो 28, तो अजय की रैंक क्या हो जाएगी, 28th। उसके बाद देखना 29, 30, 31, 32, 33, तो देखो 5 बच्चे हो गए इसके बाद, है ना। यही कहा था देर आर 5 स्टूडेंट बिलो अजय रैंक वाइज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अजय एंड अक्षय, अक्षय और अजय के बीच में कितने लोग हैं, 28 माइनस 13 कर दो 15,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग इसका आंसर 15 लगाते हैं। 28 माइनस 13 जो हमने किया उसमें हमने एक वैल्यू काउंट कर ली इन दोनों में से, है ना, 28 काउंट कर ली, लेकिन इनके बीच में पूछा है तो 28 भी मैं काउंट तो कर नहीं सकता, तो माइनस वन और कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। अब देखो 14 में आपको पूरा लिख के बता देता हूँ रैंक कौन कौन से वाले होंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने होंगे, काउंट कर लो 14 आएगा। तो हमेशा क्या किया करो, 20 जब भी दो लोगों के बीच की चीज़ पूछ ली जाए एक में से दूसरे को माइनस कर दो, ठीक है, और माइनस वन और कर दो, क्योंकि हमको इसको भी काउंट नहीं करना है, ये शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक। मैक्सिमम बच्चे इसमें जल्दबाजी में 15 जैसे आंसर लगा देते हैं और उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में, जो आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम तो अच्छा गया था लेकिन आपके परसेंटाइल नहीं आए, हो सकता है कि कैट और जेट में ऐसा लगा हो आपको, है ना, इवन IFT में भी, तो ध्यान रखना माइनर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये बहुत भारी पड़ती हैं हमें एग्ज़ाम में, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ आप जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपके नेगेटिव मार्किंग आएगी, है ना, तो इस चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखो। और देखो आप किसी का भी बच्चे का इंटरव्यू पढ़ लो, है ना, कितने भी बच्चों के आप इंटरव्यू पढ़ लो, आप ध्यान से अगर उन पर देखोगे तो प्रैक्टिस खूब करते हैं, और प्रैक्टिस जब भी करते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे से सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करो, ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन, इन एनालॉजी यू आर रिक्वायर्ड टू गेस द फंक्शन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स एंड फाइंड द सिमिलर रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स गिवन इन द एनी ऑप्शन। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये तो है ना वोकैब टाइप के डाल देते हैं एनालॉजी के नाम पे, ठीक है, खैर ये तो ईजी है। कप, लिप, बर्ड, देखो कप और लिप में अगर मैं रिलेशन सोचना चाहूँ तो क्या हो सकता है, कप में कोई भी आप ड्रिंक लेते हो, किस चीज़ के लिए, ड्रिंक करने के लिए, है ना, कोई भी लिक्विड हम ड्रिंक करने के लिए लेते हैं और ड्रिंक किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिप्स, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बर्ड देखूँ, बर्ड को अगर नेस्ट बनाना है ना, नेस्ट बनाने के लिए उसको वही ग्रास व्रास से बनाते हैं वो लोग, उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो उठाएगी किससे, विद द हेल्प ऑफ बीक, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत आसान आसान था। फोर्थ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स, चूज द करेंट ऑप्शन। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बैंड हो जानी चाहिए। देखो इसका तो आपके दिमाग में वैसे ही आंसर हो जाएगा कि नहीं, है ना, पार्टीज बैन कर दोगे फिर तो डेमोक्रेसी का एंड हो जाएगा, मतलब, ठीक। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, हमने अपने सीमेट 300 में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी और कवर किए हुए हैं, ठीक। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट पढ़ लेते हैं, यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस, इससे क्या आप लेसन टीच कर लोगे, जबरन का पॉइंट है। सेकेंड, नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ द डेमोक्रेसी, सही है, मतलब ऑप्शन टू स्ट्रॉन्ग है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। फिफ्थ, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, क्या बताना है, ऑड वन आउट, देखो टी यू, टी के तुरंत बाद यू, फिर वी का गैप है, एक ही गैप है, फिर एक्स का गैप है, वाई, यानी एक एक लेटर का गैप है, शुरू के दो लगातार है, फिर जी एच इसमें भी लगातार है, ए बी भी लगातार है, एम एन ओ ये भी लगातार है, ठीक। अब जी एच के बाद देखो, आई को छोड़ के जे, के एल को छोड़ के एम, इधर तो दो का गैप हो गया, मतलब अब ए या बी में से ही आंसर होना है, इतना तो समझ में आ गया। अब सी ऑप्शन की हेल्प लो, ए बी, सी को छोड़ के डी, फिर ई को छोड़ के एफ, सिर्फ एक ही का गैप है, फिर एनओ, पी को छोड़ के क्यू, आर को छोड़ के एस, तो इधर सब में देखो एक ही एक का डिफरेंस था, इधर के और एल दो आ गए, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन थे हमने जो लिए,
नेक्स्ट कुछ सेशंस में हम लोग पूरे 25 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारा सीमेट 300 का कोर्स लेना चाहते हैं उनको बता देता हूँ कि 1 जनवरी से हमने वीडियो की लिंक प्रोवाइड करना चालू कर दी है, ठीक है। तो अब जिस भी दिन हमारा कोर्स परचेस करोगे तो उस दिन तक हमारी जितने भी लिंक आ चुकी होंगी, तो पेमेंट कन्फर्मेशन होते से ही आपको पूरी की पूरी लिंक्स प्रोवाइड हम लोग कर देंगे विद इन 1 आवर, ठीक है। और 20 जनवरी को आपको एक 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे हमारे सब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, जिसमें जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और पेमेंट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, है ना। फीस इसकी 1500 रुपीज़ है। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना हो तो आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, SBI का अकाउंट है, या आप भीम ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप गूगल पे के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप पेटीएम के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स support@thecreatorsworld.com पे सेंड कीजिएगा, है ना। पेमेंट कन्फर्मेशन होते ही आपको विद इन 1 आवर पूरी की पूरी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिए, आप हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।